गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है जितेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं डेली टेक्निकल। तो गुड मॉर्निंग टेक न्यूज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए गुड मॉर्निंग टेक न्यूज को शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग टेक न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब बैल पर जाइएगा, ताकि हमारी जो सुबह गुड मॉर्निंग न्यूज आती है बहुत बेटर आती है। आप लोग अगर मिस करते हैं तो उसमें आपका भी नुमा होता है। ऐसे में कुछ चुनिंदा न्यूज़ को लेकर के आता हूँ, ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो छोटे बड़े अपडेट्स नहीं कर पाते हैं, बट मैं ऐसा अपडेट्स भी उठा करके लेता हूँ। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, चलिए तो इसी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहले अपडेट दोस्तों आ रही है वीवो IQQ न्यू की वजह ओर से, क्योंकि यहाँ वीवो अपना गेमिंग फ़ोन लॉन्च करने वाला है। और इसमें आपको स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ वीवो IQOO न्यू में आपको 8 GB रैम मिलने वाला है और 128 GB स्टोरेज। तो ये गेमिंग एक फ़ोन है जो गेम के लिए बनाया गया है, खासकर उन बंदों को देख करके जो लड़के या जो लड़कियां, यानी कि जो भी हमारे पर्सन्स हैं गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों के लिए स्मार्टफोन बनाया गया है वीवो IQOO। इसमें आपको सीधे 8 GB रैम मिलने वाला है 128 GB स्टोरेज के साथ। और बतकर कैमरे की बात करें तो इसमें कैमरा आपको 53 कैमरा मिलने वाला है और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिलने वाला है, और आपको 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है। और उसकी कीमत बताए, कीमत भी आपको बता देंगे कि इवन इसमें आपको 18000 की स्टार्टिंग की कीमत है, और जिस प्रकार से आप जैसा स्मार्टफोन लेंगे इसके रेट के हिसाब से उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइस बढ़ेगी। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी खबर क्या आ रही है दोस्तों, यहाँ पर दूसरी खबर आ रही है OnePlus 6T की रैम के को लेकर के। तो OnePlus 6T और OnePlus 6 को नया सॉफ्टवेयर मिल गया है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर 9.07 ऑक्सीजन OS मिलने वाला है, जिसमें आपको जून के ऑपरेटिंग पेज मिला है। और उसके साथ में आप लोगों को मिलने वाला है ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, जो कि OnePlus इसमें बेटर मतलब कि लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया है, इसमें कि आप अपने लेटेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो अगला अपडेट सब दोस्तों आपको है बहुत बड़ी अपडेट्स है दोस्तों, आपके ये सब खासकर आप लोगों के लिए मैंने ढूंढ लिया, क्योंकि ये कल था 3 जुलाई, और 3 जुलाई शाम करीबन 4 से 8 बजे के बीच में मैंने एक अनुभव देखा व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैंने एक अनुभव ऐसा देखा कि जब मैंने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक चालू किया, तो सबसे पहले मैंने व्हाट्सअप चालू किया, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक फ़ोटो क्लिक करके भेजा, और उस फोटो मैं डाउनलोड कर रहा था, तो वहाँ पर डाउनलोड नहीं रहा, वहाँ पर सीधे लिखा था डोंट ट्राई एंड डाउनलोड एंड ट्राई अगैन। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सीधे अफोर्ड हो रहा था कि यहाँ डाउनलोड होने किया है, अब मुझे जाकर मेरा सारे नोट्स ऐसे हमारे मैं ही नहीं बल्कि बीच में करीबन काफ़ी सारे सारे लोगों ने यही सोचा कि हम लोग का नेट स्लो है। अरे हमारा नेट स्लो होता है, आपका नेट स्लो होता है, ऐसे भी तीसरे बंदा क्यों होता है, लेकिन चौथे या पांचवे बंदे का तो नेट स्लो नहीं होता। तो इसी के बीच मैंने जानकारी लेकर कहा ये डेटा हैकर क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप जो एक कंपनियाँ हैं इनके सर्वर डाउन हो चुके हैं, सर डाउन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से दुनिया में कहीं भी हमारे इंडिया में नहीं बल्कि इस दुनिया में मतलब इस जितना जहाँ जहाँ ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फैला हुआ है सोशल मीडिया स्टैक, वहाँ पे सारी जगह ये वर्क करना बंद कर दिया है। ये करीबन कल शाम को 4:30 के लमसम के बीच, क्योंकि मुझे 5:30 मिली, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे एक व्हाट्सएप में पिक भेजा, मैं डाउनलोड करता था, डाउनलोड किया, तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला भाई क्यों डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि यार मैंने तो यहाँ भेज दिया, बट वहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सेंड हो चुका है, लेकिन मैं डाउनलोड हुआ डाउनलोड, फिर मैंने उनको एक मैसेज किया तो क्लिक बैक मैसेज जा रहा है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो या फिर कोई फोटो या फिर कोई अदरवाइज चीज़ भेज रहे हैं तो वो आपको नहीं जा पा रहा है, अगर जा भी रहा है तो अगला बंदा उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। ऐसे व्हाट्सअप में भी यही दिक्कत आ रही है, ऐसा फेसबुक में भी दिक्कत आ रही है, ऐसा इंस्टाग्राम पे है। तो मैं आप लोग बता दूं, आप लोग उसमें घबराने वाली बात नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक को हैक कर लिया गया है। तो मैं आप बता दूँ कि यहाँ पे हैकिंग कोई कुछ नहीं हुआ है, जो फेसबुक चेयरपर्सन है, सीईओ हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि इसमें सर्वर डाउन हो चुका था,
सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम काम करना बंद हो गए थे कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे 2-3 दिन से हो रहा है, लेकिन आप लोग हो सकता है कि इसे कुछ सर्च किया जा रहा है, जैसे कि मैंने कल बताया था आपने व्हाट्सएप क्यू आर के लिए मैं सर्च व्हाट्सएप क्यू आर देने वाला था तो उसकी वजह से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा काम हो ऐसा वर्क हो रहा है। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, कुछ कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद ये अच्छा वर्क करने लगा या फिर वर्क कर रहा हो, क्योंकि तो मैंने तो व्हाट्सएप चलाया नहीं है। आज सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं भी व्हाट्सएप चलाया नहीं हूँ। बट मैं आप लोग बता रहा हूँ कि कल शाम से प्रॉब्लम क्लियर हो रही थी, तो आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं हुई कि व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप सही से करें। और यहाँ तक मैं आप लोग बता दूँ कि यहाँ पर ट्विटर में भी अफवाह फैलाई जाए कि व्हाट्सएप फेसबुक डेड हो गया, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक डेड हुआ नहीं है, ये सही है कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन था। लेकिन आप लोग घरवाने की बात नहीं है कि यहाँ पे घरवाना करवाने की कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियाँ कभी अपने फीचर्स को कभी बंद डेड करने वाली नहीं है, यहाँ पे सीधे दौड़ कर देता है उसके कंपनी पर। दोस्तों आज मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप लोग घबराए ना, व्हाट्सएप और फेसबुक फीचर्स सारे सही वह है और आपको फायदेमंद होंगे। चलिए अगले अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक अभी अगली आती है जियो और फेसबुक को लेकर के। आप सोच रहे हैं मैं फेसबुक का बात किया फेसबुक का, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ ये बता रहा हूँ जियो और फेसबुक जो दोनों कंपनियाँ मिल करके एक इवेंट चालू करने वाली है, जिस इवेंट का नाम रखा जाएगा डिजिटल उड़ान। हाँ दोस्तों, ये डिजिटल उड़ान क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जियो और डिजिटल उड़ान दोनों मिल करके इस एक कंपनियाँ आपस में एग्जीक्यूटिव बना करके एक डिजिटल उड़ान की चालू करें। जैसे हमारे हमारे देश में इतने राज्य हैं जो अनावेशन से वहाँ पहुँच नहीं पाता है, इसके लिए हमारे जियो के जो सीईओ हैं यानी मुकेश अंबानी और उनकी बेटी जो डिजिटल मैनेजर डिजिटल है ईशा अंबानी, दोनों ने मिल करके फेसबुक के जो सी हैं जॉन बर्ग से उन्होंने सीधे बात की है, और वहाँ से उन्होंने एक डिजिटल उड़ान की प्लानिंग की है। डिजिटल उड़ान में हमारे 20 राज्यों को लिया जाएगा, जहाँ से 200 दोस्तों प्लेस को रिप्लेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे धीरे धीरे 200 और राज्यों को लिया जाएगा, फिर 200 से 200 लोगों को रिप्लेसमेंट की जाएगी। वहाँ पे यहाँ पे नए ग्राहक एंड नए यूजर को इंटरनेट फ्री सेवा दी जाएगी। हर प्लेसमेंट में हर फीकारी चीजें आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर दिया। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।